हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, फोटो नेम आर्ट वाले वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं, आप इस तरह के वीडियो किस प्रकार बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इस तरह के नेम आर्ट वाला वीडियो आप किस प्रकार एडिट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। इस वीडियो में आपको साउंड ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में साउंड ऐड है। यदि आपको एक्स्ट्रा साउंड ऐड करना चाह रहे हैं, वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से भी आप साउंड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। यदि आप वीडियो में से ऑडियो ऐड करना है तो सिंपल आपको जिस वीडियो में से ऑडियो ऐड करना है सिंपल आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, इस ट्रैक ऑडियो कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो इस तरह से भी चाहे तो यहाँ पे ऑडियो ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो आपको मैं दो तरीका बता दिया हूँ इस वीडियो में साउंड ऐड करने का। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो को क्लिक कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ोटो को PNG में सेव कर चुका हूँ तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इसे हमें रोटेट करना है। सिंपल मिरर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से हमें एडजस्ट कर देना है। इमेज पे क्लिक करेंगे, इसे आप लास्ट पॉइंट में कर देना है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं जो हमारा इमेज जो है PNG में है। PNG में इमेज कैसे सेव करना है वो मैं वीडियो पर लास्ट में बता दूंगा। सिंपल इसे इस तरह से जूम करना है और साइड में आपको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ कर एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आउट एनिमेशन में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख रहे थे फोटो जो आपका थोड़ा थोड़ा हिलने लगा है जो काफ़ी ज़्यादा देखने में बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद फिर से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर नाम टाइप करना है, सिंपल इस पोजिशन में आना है, 0.1 या फिर 0.2 के आसपास। लेयर पर आना है, टेक्स्ट पर आना है और यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है। जो भी नाम आपका है वो आपको सर्च कर लेना है। तो मेरा नाम शैलेंद्र है तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर शैलेंद्र टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद सिंपल इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ से जूम कर लेना है और यहाँ पे आपको सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। यदि आप इस टेक्स्ट को कलर चेंज करना चाह रहे हैं सिंपल यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसे हम कुछ इस तरह से फूल कर देते हैं। इन एनिमेशन में आना है और इसे हमें फेद दे देंगे, ठीक है। हमारा जब इमेज आएगा तो टेक्स्ट जब आएगा तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। फिर से हमें टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें इसे डबल ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको यदि फाउंट चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फाउंट देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल मैं इसे आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं हमारा फाउंट आप कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, सिंपल क्लिक करेंगे, इसे आपको ओवरले पे क्लिक कर देना है। अब फाइनली आप वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। हमारा वीडियो लगभग यहाँ पे एडिट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, नीचे हमें फॉग देना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, सॉरी लेयर पे आना है, ओवरले पे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फॉग का। सिंपल इसे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आपको कर देना है। इसे आप ओपेसिटी को कम करना चाह रहे तो सिंपल यहाँ से आप ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। तो फाइनली वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ। जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। हमारा वीडियो जो यहाँ पे फाइनली एडिट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद मैं आप चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अपने फोटो को PNG में कैसे सेव करना है। तो सिंपल यहाँ पे हमें सबसे पहले मोबाइल का डाटा ऑन कर लेते हैं, गूगल क्रोम ओपन करना होगा। पहले मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च बार में सर्च कर लेना है BG रिमूव। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। सिंपल आपको फर्स्ट वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है, सॉरी फर्स्ट वाले लिंक को आपको ओपन करना है। हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे मोबाइल का नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है
तो इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाएंगे, तो सिंपल आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डन करना है। जैसे ही आप डन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फोटो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा इमेज जो है PNG में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिंपल आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर से आपको डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इमेज जो हमारा PNG में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा गैलरी में PNG सेव हो चुका है। तो इस तरह से आपको फोटो अपने फोटो को PNG में सेव कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।